नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। उमरिया जिले के मानपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम दुलहरा में आरोपियों द्वारा स्थानीय निवासी युवक लक्ष्मी उर्फ गुड्डू कुशवाहा की दर्दनाक हत्या करने का बड़ा मामला सामने आया है, जहां आरोपियों ने युवक को उसके घर से करीब 2 किलोमीटर दूर अपने घर ले गए और इंसानियत को शर्मसार करते हुए उसके हाथ पैर बांध कर बेदर्दी से उसके साथ मारपीट की गई, जिसमें उसकी आंख फूट गई और हाथ टूट गया और उसकी जीभ भी काट दी गई। वही घटना की सूचना मिलते ही मानपुर थाना पुलिस टीम मौके पर पहुंची एवं गंभीर रूप से घायल युवक लक्ष्मी उर्फ गुड्डू कुशवाहा को उपचार हेतु अस्पताल लाया गया, लेकिन वहां पर उसकी मौत हो गई एवं मौत की खबर सुनते ही मृतक के परिजन और ग्रामीण जन आक्रोशित हो गए, पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाने लगे। वही यह घटना चोरी के संदेह मामले को लेकर हुई है। वही विगत दिनों स्थानीय निवासी सुखनंदी खटी के घर पर चोरी की वारदात हुई थी एवं उसी मामले में मृतक युवक पर संदेह व्यक्त किया जा रहा था। इसी आधार पर आरोपियों ने बेदर्दी से युवक की हत्या कर दी है। वही पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार सिन्हा ने बताया कि मानपुर थाना के अंतर्गत ग्राम दुलहरा में आरोपियों द्वारा लक्ष्मी उर्फ गुड्डू कुशवाहा के साथ मारपीट की गई थी, जहां उपचार के दौरान अस्पताल में उसकी मौत हो गई, जिसमें मामला दर्ज करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उमरिया से शंकर सिंह की रिपोर्ट। मानपुर थाना अंतर्गत जो ग्राम दुलहरा है, वहां एक युवक है जो पुराने किसी चोरी हुई थी और जिनके यहाँ चोरी हुई थी, उन सभी लोगों ने मिलकर उस युवक के संदेह के आधार पर उसको पकड़े और पकड़ के उसके हाथ पर बांध कर उसके साथ मारपीट की और मारपीट इतनी घातक तरीके से की है कि बाद में उसकी मृत्यु हो गई, जिसकी रिपोर्ट थाना मानपुर में की गई और मानपुर पुलिस द्वारा उसकी जांच की जा रही है और जांच में जिन आरोपियों ने उसके द्वारा ये कृत्य को अंजाम दिया है उन सभी लोगों को गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करके उसको मान्य न्यायालय में पेश किया जा रहा है। पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई की है, उसे पुलिस की प्रशंसा की जाती है कि ऐसे जो कार्य है और हमारे यहाँ जो लगातार वारदात बढ़ रहे हैं उसको रोकने में पुलिस सक्षम है और कारगर सिद्ध हो रही है, तो हम पुलिस की प्रशंसा करते हैं और ऐसे आगे कभी भी इस प्रकार की वारदात न हो इसके लिए पुलिस प्रशासन। लक्ष्मी कुशवाहा नाम का के युवक पर कुछ व्यक्तियों के द्वारा शंका के आधार पर कि इसने कई चोरी हुई थी, उसके साथ दुर्दांत कार्य किया गया, उसको बांध करके कहीं 2 किलोमीटर दूर जंगल में ले जा करके उसके साथ इतना मारपीट किया गया कि उसके आँख फोड़ दी गई, उसकी जीभ काट दिया गया, उसके हाथ को बांध करके उस बुरी तरह से उसके शरीर को पूरी तरह से छलनी कर दिया गया। हमारा ये कहना है कि आज मानवता इतनी शर्मसार हो रही है कि कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए अपराध करता है या अपराधी है तो स्वयं कानून को हाथ लेने का अधिकार तो किस हाथ कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार किसी भी व्यक्ति को नहीं है। न्यायालय बनी हुई है, जो भी अगर मान लो कोई अपराधी पीड़ित व्यक्ति अगर होता हो तो न्यायालय उस पर विचार करती कि है कि नहीं है, जैसा होता उसको सजा मिलती, परंतु जिन अपराधियों के द्वारा, हम तो उन्हें अपराधी ही कहेंगे, हमारा इस तरह का दुर्दांत घटना घटाया गया है, मानपुर पुलिस के द्वारा तत्परता के पूर्वक उन्हें गिरफ्तार किया गया है, गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया जा रहा है उन्हें, और हमारा ये कहना है कि इस तरह की घटना को अंजाम देने वाले व्यक्ति के साथ कानून को भी कठोरता से इस पर सख्ती से कार्रवाई। थाना मानपुर के ग्राम दुलहरा में एक मारपीट की घटना हुई थी जिसमें पुलिस में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था और जो घायल था उसको अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, जिनकी बाद में दुखद मृत्यु हो गई। तो उस पर पुलिस के द्वारा धारा 302 ITC का प्रकरण का इजाफा किया गया है और इसमें जितने भी आरोपी शामिल थे सबको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और अभी अग्रिम कार्रवाई जारी है विवेचना। देखिए, मानपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत कुछ आरोपियों के द्वारा एक नवयुवक को चोरी की शंका पर उसके साथ मारपीट की और मारपीट करने से बाद में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने FIR दर्ज किया है, मर्ग कायम किया है और ये जांच का विषय है। पुलिस आगे जांच कर रही है कि किस वजह से, किन कारणों से ऐसी जो दुखद घटना है वो घटी। प्राइमा पे से सुनने में जो आया है
कि चोरी के शक के कारण उसके साथ मारपीट की गई। मेरा इस पर यह कहना है कि अगर कोई अपराध घटित होता है उसके लिए जांच एजेंसी है, हमारे यहाँ न्यायपालिका है, उस पर हमको भरोसा रखना चाहिए और अपराधी को पकड़ करके और कानून के हवाले करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखने में आया कि लोग खुद ही न्याय करना चाह, न्यायपालिका और पुलिस का काम खुद किया, जो कि गलत है। हमारी एक न्याय व्यवस्था है, न्याय प्रणाली है, उस पर हमें भरोसा होना चाहिए। अगर हमें शंका है कि किसी ने कोई अपराध किया है तो सजा देने का काम न्यायालय का है और उसे न्यायालय को ही करने देना चाहिए। उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे कानून अपना काम करेगा, इसमें कोई दो मत नहीं।